नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? होप सो मज़े में होंगे। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ सुबह सुबह अपने खेत की तरफ, जहाँ हम जो है ऑनियन हाइब्रिड प्याज की, नासिक का हाइब्रिड प्याज जो उसकी नर्सरी डालने जा रहे हैं। तो मैं आपके सामने नर्सरी डालूंगा। तो आपको पता है कि पहले भी कृषि से संबंधित जो है अनेकों जानकारी आपको यूट्यूब के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। तो आज जो हम डालेंगे यहाँ हाइब्रिड प्याज की नर्सरी, जो नासिक का सीड्स है। तो यहाँ मैं कल जो है फूल गोभी या गोभी की नर्सरी डाली थी। तो परसों जो बिजाई की थी लहसुन की, तो मैंने आपको बताया था कैसे बिजाई की जाती, कैसे मतलब नर्सरी गोभी की डाली जाती। तो आज मैं बताऊंगा आपको कैसे जो है हाइब्रिड प्याज की नर्सरी डाली जाती है। तो सबसे पहले जो ग्राउंड को तैयार करना पड़ता है, ऐसे जो है गुड़ाई मतलब गुड़ाई करके इसको जो नरम करना पड़ता है। पहले इसमें जुताई की थी मैंने पावर टिलर से, मैंने आपके सामने जुताई की थी, आपको बताया था कैसे जो इसकी जुताई की जाती है पावर टिलर से, कैसे जो छोटे ट्रैक्टर से जुताई की जाती है। उसके बाद इसको जो बेड बनाए थे, दो बेड बनाए थे, दो बेड बनाने के बाद इसमें वन साइड जो है लहसुन लगा दी थी नीचे से लेकर ऊपर तक, और साइड में जो वहाँ तक जो लहसुन लगाई थी। तो यहाँ जो मैंने फूल गोभी की नर्सरी जो है डाली थी, तो आपके सामने नर्सरी डाली थी मैंने। तो आज जो हम यहाँ डालेंगे प्याज की नर्सरी। तो प्याज की नर्सरी के लिए सबसे पहले बेड बेड तैयार करना पड़ता है। बेड को जो चारों तरफ से इसको मतलब समतल बनाना पड़ता है, बिल्कुल कंकर पत्थर को साइड करना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल बेड को बिल्कुल प्लेन करना पड़ता है, समतल बनाना पड़ता है, ताकि आगे आगे चलकर इसमें जो है पानी देने में परेशानी ना हो और बीज को जर्मिनेशन में भी इरिटेशन ना हो। इस हिसाब से बेड बनाना चाहिए। बेड बनाया जाता है, बिल्कुल इसको नरम किया जाता है। नरम करने के बाद इसको जो है इसकी मदद से इसके कंकड़ पत्थर जो है इससे साइड की जाते हैं। इसके द्वारा जो है इसके कंकड़ पत्थर जो है मोटे मोटे पत्थर जो साइड हो जाते हैं, और इसमें जो बिल्कुल बारीक मिट्टी रहती है। और इसमें उसके बाद इसको लेबलिंग की जाएगी और इसमें बीज डाला जाएगा, सीड डाला जाएगा। सीड डालने के बाद इसमें जो है ऊपर हल्की मिट्टी दे दी जाएगी। तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता जाऊँगा, तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। साथ में चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि आगे से जो भी जानकारी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आज हम डालेंगे प्याज की नर्सरी, हाइब्रिड प्याज की नर्सरी। नासिक का प्याज इतने साइज का दाना है, उस प्याज की नर्सरी डालेंगे हम, हाइब्रिड प्याज की, लाल प्याज की नर्सरी। तो बिल्कुल आपके सामने डलेगी नर्सरी दोस्तों। तो इस तरह से बेड की गुड़ाई करने के बाद इसको जो है लेबलिंग की जाती है, देख सकते बिल्कुल बिल्कुल लेवल की, इसको देख सकते दोस्तों बिल्कुल लेबलिंग करने के बाद इसमें जो है इस मिट्टी को जो हमने छान कर अलग रख लिया, इसको ऊपर देने के लिए, बीज के ऊपर डालने के लिए हल्की बारीक मिट्टी के जो हमने इसके कंकड़ पत्थर जो साइड कर दी, इसको छान कर जो है एक ढेरी लगा दी। इस ढेरी को जो हम इस बीज के बीज डालेंगे, तो बीज के ऊपर जो है इस पर बीज को ढकने के लिए इस मिट्टी को हल्की बारीक परत जो है दो सूत परत जो बिल्कुल इतनी हल्की हल्की परत जो इसको इसके ऊपर मिट्टी की डालेंगे, और इसमें जो है ऊपर पॉलिथीन की तरपाल दे देंगे इसके बाद। तो आपके सामने देख सकते दोस्तों। तो अब बीज डालेंगे इसमें, तो आपको बताऊंगा कैसे जो इसमें बीज डाला जाता है, कितने बाई कितने स्पेस में बीज डाला जाता है, कैसे कैसा जो है नासिक कंपनी का बीज कैसा है, हाइब्रिड टमाटर हाइब्रिड प्याज का बीज। तो ये नीलम नासिक का 53 बीज प्याज का बीज देख सकते हैं, ये हाइब्रिड प्याज है नासिक कंपनी का ये। तो इसकी आज हम जो है हाइब्रिड प्याज की नर्सरी डालेंगे। तो ये बीज इसको आपके सामने खोलता हूँ मैं, देखते हैं कैसा जो है निकलता है। तो बीज प्याज का बीज वैसे मैक्सिमम ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का होता है। तो अब देखते हैं इसका नासिक का बीज कैसा होता है। तो आपके सामने यहाँ जो हम अप्लाई करेंगे इसकी नर्सरी, यहाँ लगाएंगे इस बेड में ऊपर से लेकर नीचे तक। तो दोस्तों ये निकाला बीज बिल्कुल ब्लैक कलर का, बिल्कुल ये इस तरह का होता है प्याज का बीज, ये हल्के कलर हल्के हल्के जो है मतलब बारीक बारीक दाने जो है काले रंग के। ये इसको हम जो अब यहाँ अप्लाई करेंगे आपके सामने, तो इस पैकेट से निकाला हमने इसको, पाउच को खाली कर दिया, बिल्कुल यहाँ से निकाला। तो ये हाइब्रिड प्याज है, देखते कितना वैरायटी, किस तरह की वैरायटी निकलती है अब इसका देखेंगे अब। तो दोस्तों बिल्कुल इस तरह से प्याज का बीज डाला जाता है, देख सकते बिल्कुल ब्लैक कलर का बीज है जो है ये डला है। बिल्कुल इसी तरह से हमने जो है ऊपर तक जो है पूरे प्लॉट में जो अप्लाई कर दिया, पूरे प्लॉट में लगा दिए यहाँ तक जहाँ तक हमने लगाना था, तो वहाँ तक जो इसकी बिजाई कर दी, देख सकते हैं ये बीज पड़ा है, ये प्याज का बीज है, काले रंग का प्याज का बीज है, ये सारा का सारा बीज जो है
यहाँ तक हमने ऊपर तक जो है अप्लाई कर दिया दोस्तों, लगा दिया यहाँ तक, ये पूरे बेड से नीचे से लेकर ऊपर तक यहाँ तक जो प्याज का बीज लगाया, इसमें जो है मिट्टी की परत देंगे, हल्की परत देंगे इसमें मिट्टी की, बिल्कुल हल्की हल्की परत, तो आपके सामने दूंगा। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल इसको जो घना करके जो बीज डालना पड़ता है, ताकि ये नर्सरी है दोस्तों, नर्सरी के बाद जो एक एक प्लांट उखाड़ कर जो दूसरी जगह शिफ्टिंग करना पड़ती है, ट्रांसप्लांटिंग करना पड़ती है, तो वो भी आपके सामने बताऊँगा कैसे जो प्याज की रोपाई की जाती है बिजाई के बाद, नर्सरी से कैसे प्याज निकाला जाता है, तो वीडियो के माध्यम से आपको आगे पूरी जानकारी बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, तो चैनल को जरूर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब के बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि आगे से जो भी जानकारी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप वीडियो का आनंद ले सके और आप कृषि से संबंधित जो है अनेक जानकारियाँ सीख सके। तो अब मैं मिट्टी डालने जा रहा हूँ, मिट्टी के बाद इसमें पॉलिथीन डालेंगे, आपके सामने डालूंगा, आपको बताऊंगा कैसे जो इसमें मिट्टी डाली जाती है, कितनी बारीक परत मिट्टी की डालनी चाहिए। तो वीडियो को स्किप ना करें, लगातार वीडियो बने रहे, वीडियो को देखते रहें। अब आगे दोस्तों मिट्टी डालने की बारी, बीज डालने के बाद इसमें मिट्टी डालेंगे, तो ये मिट्टी जो वहाँ से भर रहे हैं कढ़ाई में, तो कढ़ाई में भरकर जो यहाँ ले आएंगे, इसको जो है बिल्कुल हाथ से जो है मिट्टी ऐसे हाथ से मिट्टी डालेंगे इसको बिल्कुल, ये आपके सामने डालेंगे दोस्तों, देख सकते हैं कैसे जो इसमें जो है हाथ द्वारा जो मिट्टी डाली जाएगी, ऐसे बिल्कुल बारीक परत कंकड़ पत्थर निकालने पड़ते हैं, ताकि पौध को कोई इरिटेशन ना हो आगे चलकर, बीज के ऊपर जो है प्लांट के ऊपर पत्थर ना आए और प्लांट का जो है इरिटेट ना हो, मतलब डिस्टर्ब ना हो प्लांट, इस वजह से कंकड़ पत्थर निकालना पड़ता है और बिल्कुल बारीक परत जो मिट्टी की डालनी पड़ती है, ज़्यादा मोटी परत भी डालेंगे दोस्तों, बिल्कुल बारीक परत डालेंगे जिससे कि बीज ढक सके बस, अगर ज़्यादा मोटी परत डालेंगे तो सोइंग में जो मतलब जर्मिनेशन में ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आगे चल कर जो ज़्यादा मॉइस्चर बना रहा तो बीज जो सड़ भी सकता है, इसलिए उतनी ही मिट्टी डालें जितनी की ज़रूरत है इसको, बिल्कुल बीज ढकने के लायक ही मिट्टी डालें, ज़्यादा मिट्टी ना डालें दोस्तों, यहाँ तक जो है नीचे तक, यहाँ तक जो है मिट्टी डालने का प्रोसेस जारी है, अभी मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डालने के बाद इसमें जो पॉलीथीन, इसके ऊपर पॉलीथीन डालेंगे, तो फाइनली जो है पॉलीथीन डल गया तो नर्सरी डल गई। तो वीडियो को देखते रहें, आगे देखते रहें क्या क्या अभी इसके जो स्टेप बाकी है। तो फाइनली हमने जो नर्सरी डाल दी, ऊपर वाला पॉलीथीन जो नीचे शिफ्ट कर दिया, ऊपर में ऊपर छोटा था एरिया तो वहाँ हमने अलग पॉलीथीन जो है दे दिया, तिरपाल पॉलीथीन की, तो यहाँ नीचे जो है ब्लू कलर की तिरपाल जो निचली साइड शिफ्ट कर दी प्याज की नर्सरी में, तो ये देख सकते हैं यहाँ जो हमने ये वाली पॉलीथीन नीचे कर दिया बड़ा वाला, तो नीचे जो है गोभी, ऊपर जो गोभी के प्लॉट में जो है अलग पॉलीथीन दे दिया हमने, तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों ऊपर से नीचे तक गोभी और प्याज की नर्सरी डल गई। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि आगे से जो भी जानकारी अपलोड करूँ उसकी जानकारी आप तक पहुँच सके और आप भी वीडियो का आनंद ले सकें और कृषि से संबंधित जो अनेकों जानकारियाँ सीख सकें।